ये देख के हनुमा है। क्या है वे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। तो आज के व्लॉग करते हैं आगाज। तो माशाल्लाह से आज नौवां रोज़ा है, तो तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से नौवां रोज़ा मुबारक। तो मैं अभी घर से बाहर निकला हूँ, तो बच्चे एक जो यहाँ पर कुल्फा बेचने वाला आया हुआ है, तो बच्चों ने उन्हें लपेटा हुआ है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पर गाँव में इस तरह के बच्चे करते हैं। तो ये देख सकते हैं, जी तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो बच्चे थे किस तरह से अंकल को लपेटे हुए थे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप हो रहे हैं। तो मैं कैमरे से दिखा देता हूँ कि इसमें असल में बीमारी लगी हुई है। मैंने तकरीबन 3000 की इन पे स्प्रे वगैरह की हुई है, तो मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब फिर दोबारा जाऊंगा, पता नहीं कितने की स्प्रे आती है वो भी। तो फिर मैंने जाना है फिरोज़ भाई के पास, क्योंकि उनकी एक दिन पहले उनका चैनल उड़ रहा था, मतलब किसी ने हैकिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। तो फिर रात जो उनकी वीडियो थी वो डिलीट हो गई, वो पता नहीं कैसे डिलीट हुई। तो चलेंगे वहाँ पर, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे जो इन्फॉर्मेशन होगी क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्या चैनल किसी ने हैक करने की कोशिश की है या फिर इस तरह से। तो चलेंगे वहाँ पर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर रहे हैं, और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये मैं ले रहा हूँ रोज़ इफ्तारी करने के लिए, ये सही काम डाले इसमें, ठीक है। हाँ बस इतनी, ठीक है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रोज़ इफ्तारी के लिए ये ले लिया। अब इसको मैं रखूँगा फ्रिज में, तो बाद में फिर जब रोज़ इफ्तारी करने के बाद ये इन्हें टेस्ट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं नाना जान के घर आ गया था, क्योंकि मैंने नमाज भी यहीं पर अदा की है असर की, और अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि सूरज ग़ुरूब होने वाला है। और फिरोज़ भाई जो थे वो अपनी वीडियो में वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनकी जो वीडियो थी पहले आप लोगों को पता है कि उनका जो चैनल वगैरह का मसला हुआ खड़ा था। तो फिरदोस भाई से भी सलाम दुआ करते हैं। फिरदोस भाई मेरे साथ ये देख रहे हैं, ठहरे हुए हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे थे। तो अभी सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। माह रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक गुजर रहा है, माशाल्लाह जी। रोजे रख रहे हो? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो शुरू के दिन तो गंदा में मसरूफ था। हाँ मैं भी ना था, अभी आज माशाल्लाह से तीसरा रोजा, इंशाल्लाह आगे सारे रखूंगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रखेंगे। आगे आप सुनाएं। मैं ठीक फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? तो फिरदोस भाई से जानेंगे कि क्या मसला हो गया था फिरोज भाई के चैनल को। फिरदोस भाई बताइएगा चैनल को क्या मसला हो गया था। यार उसमें थोड़ा सर्वर का भी इश्यू हो सकता है शायद जी, मतलब कि हमें भी गलत फहमी हो सकती है कि हम ऐसे कह दें फुल यकीन के साथ कि नहीं हैक हो रहा था, हमने बचा लिया वो। अब हम ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि सर्वर का भी इश्यू होता है, कुछ ऐसे गलत होते हैं कि खुद से लॉग आउट हो जाता है, कोई ऐसी वीडियो प्राइवेट हो जाती। तो इसमें बस वो है कि अल्लाह का शुक्र है फिर सेफ हो गया, बाद में जैसे ही पता चला कि उसको फिर रिकवर कर लिया हमने। तो जो कल की वीडियो थी उसका क्या मसला था, वो क्या डिलीट हो गई या फिर क्या हुआ? अरे असल में ना जैसे ही वीडियो अपलोड की ना कल शाम को 7-8 बजे ना, तो एक घंटे के बाद खुद ही फिर वो हो गई वीडियो, मतलब कि बिल्कुल प्राइवेट से भी प्राइवेट चली जाती, वो भी था लेकिन नहीं बिल्कुल उड़ गई। अच्छा जी, पता नहीं अब क्या सिस्टम था, बाद में भाई ने फिर आज फिर अपलोड किया। आज दोपहर को अपलोड की थी? हाँ आज दोपहर, तो आज की वीडियो मतलब यानी वही थी जो रात वाली? हाँ वही थी बिल्कुल, तो रात को तो वो तो मसला बन गया था ना इस वजह से। तो आज की वीडियो फिरोज भाई ने नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ना कि ज्यादा मसला हो जाए ना, इस वजह से थोड़ी बहुत खुद की चैनल की भी सेटिंग कर रहे हैं, फिर फूड पाक के लिए फूड की भी वीडियो बनानी होती है ना, इस वजह से वो उधर वीडियो में मसरूफ थे, इसलिए मैं उनको वीडियो में नहीं लेके आ सका। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि रोज इफ्तार के टाइम हो चुका है। नहीं रोज तक यही करो ना, नहीं यार घर जाऊंगा ना, घर यहीं पे कर लो टाइम, घर यार
टाइम 6:25 हो चुके हैं, 25 मिनट तो 20 मिनट रहते हैं, तो चलेंगे घर। तो वहाँ पर जो देखेंगे रोजे इफ्तार में क्या क्या कुछ सामान लेना क्या शॉप से? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कर लो बस। नहीं यार वो घर में चीजें बनी हुई है ना, इस वजह से चलो, तो इन लोगों के साथ भी शेयर करना है। जी तो ये है आज सिंपल इफ्तारी मेरी, क्योंकि अम्मी जान थी नहीं, अम्मी जान गई थी खला के घर, उनकी तबीयत खराब थी, तो आज सिंपल इफ्तारी यही है मेरी आज। और ये है शरबत, वो खजूर है, और ये बस खरबूजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया है, अल्लाह पाक का बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ जिस मिलते थी। तो आज तो अब टाइम हो चुका है नमाज का, नमाज पढ़ने चलते हैं। तो आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है और मैंने आप लोगों के लिए दुआ करनी है इंशाल्लाह। तो चलेंगे अब नमाज पढ़ने। तो हम आज की वीडियो करते हैं यहीं पर, एंड इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू और ताज़ा वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।